अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। कौन दी पर्सन कौन आप यहाँ पे ए एल सी से कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को आप अंडर में डाल देते हैं, कैपिटल अकाउंट एंटर करके सेव कर देंगे। फिर आप एस्केप से बैक जाते हैं, ब्राउजर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे, एंट्री आप करते हैं एफ सिक्स से जैसे ब्राउजर में टू में आ जाएगा कैपिटल अमाउंट। और बाय में आ जाएगा केस, टोटल बिजनेस में केस आ रहा है 10 लाख रुपए, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए, माल खरीद रहे तो एंट्री आप करेंगे एफ नाइन से परचेज वाउचर, यहाँ से आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। एस वाउचर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। नगद माल है तो टू में आ जाएगा केस अमाउंट, कंट्रोल प्लस एन करते हैं 95,000 पे 5% केस डिस्काउंट है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड कर देंगे 100, अमाउंट आएगा 4,750। आप 95,000 में माइनस कर देंगे 4,750, अमाउंट आएगा 90,250। आप केस के सामने लिखेंगे 90,250, एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा परचेस, अल्टर प्लस सी से परचेस का लेजर बना देते हैं, परचेस अकाउंट अंडर में आ जाएगा परचेस अकाउंट, एंटर करके सेव। इसमें आप अमाउंट डालेंगे 95,000 और टू में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना देंगे, डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट परचेस वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट आ जाएगा 4,750, एंटर करके सेव कर देते हैं। नेक्स्ट बोलो, मोहन से माल खरीदा, एंट्री आप परचेज वाउचर में करेंगे, अब टू में क्या लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार माल खरीद रहे हैं, अल्टा प्लस सी से मोहन के नाम का लेजर बना लेते हैं, मोहन अकाउंट अंडर में आप इसको डाल देंगे सैलरी क्रेडिटर्स, एंटर करके सेव कर देंगे। अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट डाल देते हैं 50,000, एंटर करेंगे, यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज, एंट्री हो जाए टू मोहन अकाउंट बाय परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलो, माल बेच रहे हैं, एंट्री आप करेंगे एफ एड से सेल्स वाउचर, यहाँ से आप एस वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। नगद माल है तो बाय में आ जाएगा केस, कंट्रोल प्लस एन करते हैं 85,000 पे अपन 2% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आएगा 1700, 85,000 में से माइनस कर देंगे 1700, अमाउंट आएगा 83,300। आप केस के सामने लिखेंगे 83,300, टू में आ जाएगा सेल्स, अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट आप इसको अंडर में डाल देंगे सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव। इसमें भी अमाउंट आ जाएगा 83,300, एंटर करके आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोल, अपन बैंक से लोन ले रहे हैं, पहले अपन उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप इसे मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे आप एक्सेल ओपन कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपन डालते हैं लोन अमाउंट, लोन कितना लिखा 8 लाख, अपन लोन ले रहे हैं 8 लाख, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही बैंक, 10%, लोन या कितने टाइम के लिए लोन, 3 साल, अपन ने यहाँ डाल दिए 3 साल,
अब आपको निकालना है इस साल में बैंक 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, लेकिन 10% का अमाउंट कितना है। तो आप इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट का सेल इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। फिर अब आपको निकालना है टोटल इंटरेस्ट, एक साल में आप देंगे 80,000, तो टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट आपको देना है। आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर इंटरेस्ट में, मल्टीप्लाई कर देते हैं लोन ईयर, एंटर करेंगे टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2,40,000। अब अपन जब बैंक को लोन का अमाउंट वापस करेंगे, लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों के साथ करेंगे, तो आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट से सेल इंटरेस्ट प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट, एंटर करेंगे अमाउंट आ जाएगा 10,40,000। अब अपन इसको वन टाइम पे तो करेंगे नहीं, अपन इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इस साल में अपन कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इस साल में अपन 12,000 है, मतलब पर मंथ अपन एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो टोटल 3 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट देना है। आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर इंस्टॉलमेंट में, मल्टीप्लाई कर देंगे लोन ईयर, एंटर करेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे 36। अब अमाउंट अपन को देना है 10,40,000, कितनी इंस्टॉलमेंट में 36, तो एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट अपन पे करेंगे। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं लोन प्लस इंटरेस्ट का सेल एड्रेस डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 88,889, इतना अपन को पे करना है। निकाल लेंगे आप लोग, अपन टैली में चलते। सबसे पहले अपन बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं तो अपने बिजनेस में केस आ रहा है, एंट्री आप करेंगे एफ सिक्स से रिसिप्ट वाउचर में, टू में आ जाएगा, सॉरी अल्टे प्लस सी से SBI बैंक लोन का लेजर बना लेते हैं। अंडर में आप इसको डाल देंगे लोन लाइबिलिटीज, एंटर करके सेव कर देंगे। इसमें आप अमाउंट डालेंगे 8,00,000 और बाय में आ जाएगा केस, बाय में आ जाएगा केस, टू में SBI बैंक लोन, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसकी एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर। अब बाय में आप लिखेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि अपने लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का नाम बाय में आए, अल्टे प्लस सी से इंटरेस्ट का लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे ये वाला 2,40,000 और एंटर कर देंगे, टू में आ जाएगा SBI बैंक लोन, टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पे 10,40,000, यही अपन को पे करना है, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। थर्ड एंट्री आप करेंगे इंस्टॉलमेंट पे करने की, वो आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर, बाय में आ जाएगा SBI बैंक लोन, एक पे अपन कितना अमाउंट दे रहा है 88,889, ये दे रहा है, ये अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और टू में आप लिख देंगे केस, क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है, और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट बोलो। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, एंट्री अपन करेंगे F8 से सेल वाउचर। अभी किसी कुछ नहीं पूछना, एंट्री अपन करेंगे F8 से सेल्स वाउचर, यहाँ पे आप सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, पसंद आ माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तो बाय में आप लिखेंगे बैंक, अल्टर प्लस सी से बैंक का लेजर बना लेंगे, बैंक अकाउंट को आप अंडर में डाल देंगे बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। अब कितना अमाउंट है और टू में आ जाएगा सेल्स, एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए, केस डिपॉजिट, केस अपन बैंक में जमा कर रहे हैं, एंट्री आप करेंगे F4 से सोनरा वाउचर, अपने पास से केस जा रहा है तो टू में आ जाएगा केस अमाउंट।